वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नील सर फ्रॉम सूर्य स्कूल रेवाड़ी, पीजीटी इकोनॉमिक्स। टुडे आई एम जस्ट कंटिन्यू द अनदर टॉपिक ऑफ मनी सप्लाई। जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक वंस अगेन, ध्यान से देखिएगा इन टॉपिक को। देखिए, मनी सप्लाई बेसिकली क्या होता है, स्टॉक होता है, ध्यान रखना, विच इज सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, विच इज़ सर्कुलेटेड इन द इकॉनमी। मनी सप्लाई वही चीज़ है जो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेटेड हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा आप। सर्कुलेटेड का मतलब कि जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हुआ है, मैंने आपको बताया था इंजेक्शंस। तो जब भी चेंज इन मनी सप्लाई आ जाए, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, चेंज इन मनी सप्लाई आ जाए तो वो बन जाएगा फ्लो। और अगर स्टॉक की बात करें तो वो मनी सप्लाई है, ध्यान रखना चीज़ का। मनी सप्लाई की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान रखना इस चीज़ का। कई बार क्या करते हैं हम लोग, मनी सप्लाई है तो पॉइंट ऑफ टाइम की जगह हम पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं, बोले क्या जाता है लिख दो, ऐसा नहीं करना है। वी नीड टू वेरी स्पेसिफिक, जो समझाया जा रहा है वही करो आप। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास मनी सप्लाई का, और मनी सप्लाई हमेशा ये बता रही है कि स्टॉक है और दूसरी चीज़ है पॉइंट ऑफ टाइम। नैरो मनी आपको मैंने बता दिया था, मैं थोड़ा और फोकस करूँगा आज, तो ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। देखिए, मनी सप्लाई का मतलब जो भी मनी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जो भी मनी सर्कुलेटेड हो रहा है इकोनॉमी में, ध्यान रखना है चीज़ का, जो भी मनी सर्कुलेटेड हो रहा है इकोनॉमी में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। चलिए आगे करते हैं इसको। नाउ वी विल गोइंग टू रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कैसे पढ़ें भाई, सिंपल सी चीज़ है, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। M1, M2, M3, M4, हालांकि आपके कोर्स में M1 ही है, बट M2, M3, M4 भी अगर हम समझेंगे तो हमको और आसानी रहेगी, हमारे फ्यूचर में भी काम में आएगा, थोड़े से टॉपिक ही है। तो सबसे पहली बात आप देख लें, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या होते हैं, क्या क्या बताया मैंने आपको, M1, M2, M3 और M4, ये हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं किसके, मनी सप्लाई के, ये ध्यान में रखिएगा। ये चार कंपोनेंट्स ही पूरी मनी सप्लाई के सर्कुलेशन को कंप्लीट करते हैं, ध्यान रखना है चीज़ का, गलती मत करना, क्योंकि गलती की बोर्ड्स में कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ M1, सेकंड इज़ M2, थर्ड इज़ M3 और फोर्थ इज़ M4। आई होप दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सारा। अब ध्यान से देखते हैं भाई कि भाई M1 होता क्या है। M1 के अंदर आता है सबसे पहले C+DD। C स्टैंड्स फॉर करेंसी, एक एक करके समझा रहा हूँ ध्यान से देखना। और करेंसी में क्या आएगा, या तो पेपर मनी या आएंगे अपने पास कॉइन्स। सबसे पहले मूर्ख से मूर्ख बच्चा और कॉमन से कॉमन बच्चा भी अगर ध्यान लगाए, मतलब इन द सेंस कि अगर जिस बच्चा कभी नहीं पढ़ा, अगर वो थोड़ा ध्यान लगा ले तो कर सकता है इस काम को, ध्यान रखना है चीज़ का। तो सबसे पहली बात क्या है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। M1 में आता है C+DD+OD, पहले मैं आपको C और DD ही समझाऊंगा, और ध्यान रखना इससे पहले बता रहा हूँ, 3 सप्लायर्स ऑफ मनी है, और कौन कौन से हैं वो, पहली बात है दी RBI, जो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, हर वीडियो में बता रहा हूँ, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दी कमर्शियल बैंक्स। दीज आर द 3 सप्लायर्स ऑफ मनी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना कि 3 सप्लायर्स ऑफ मनी हमारे पास, पहला कौन से हैं, द RBI, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके पास देखिए बहुत सारे वैसे रेशो होते हैं, मैंने कल आपको बताया था LRR, इसको रिजर्व रेशो भी कहते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी कहते हैं,
ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, LRR हो गया, जिसमें CRR भी आ गया, SLR भी आ गया, ठीक है, हमारे पास CDR भी होता है, करेंसी या कैश डिपॉजिट रेशो, ये भी ध्यान रखना हमारे को, करेंसी डिपॉजिट रेशो भी रख सकते हैं हम लोग। फिर एक VCR भी आता है, बताऊंगा आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रहा हूँ कि 3 सप्लायर्स ऑफ मनी हैं और इनके वॉल्ट में कितना भी, इनके पास कितना भी पैसा पड़ा हो, हमको उससे कंसर्न नहीं है, नो कंसर्न। इनके वॉल्ट में कितना भी पैसा पड़ा हो, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। भाई आपने मान लीजिए 1000 रुपये कमर्शियल बैंक में जमा करा दिए और इनके पास 2000 पड़े हैं, सिंपल समझा रहा हूँ, इनके पास 3000 पड़े हैं, इनके पास अपने 7000 पड़े हैं, तो आपको लुक आफ्टर किससे, 1000 से। तो जो भी पैसा इनके वॉल्ट में पड़ा रहता है, देर इज़ नो कंसर्न अबाउट द कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताऊँगा आपको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को। तो 3 सप्लायर्स ऑफ मनी है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ तो ये। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मनी सप्लाई कौन कौन करता है इकोनॉमी में, तो हम लोग भूल जाते हैं। वैसे तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब जब से हम थोड़े बहुत मैच्योर हुए हैं, कि भाई 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो मनी सप्लाई के अंदर फोकस करती हैं, तो 3 सप्लायर्स ऑफ मनी। चलिए आगे पढ़ते हैं। करेंसी हो गया, पेपर मनी हो गया। पेपर मनी आपको पता ही होगा, इसको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। कॉइन्स भी, ये M1 का पार्ट हो गया। अब देखिए, कुछ चीज़ तो कैश से डील कर ली हमने, एंड समथिंग इज़ लेफ्ट फॉर द चेक ऑल्सो। तो डिमांड डिपॉजिट्स होते क्या हैं, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। डिमांड डिपॉजिट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। नाम ही बता रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स। नाम ही बता रहा है डिमांड डिपॉजिट्स के मतलब, आपने डिमांड की है अपने डिपॉजिट्स में से। और डिपॉजिट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं भैया, सेविंग अकाउंट में। बिजनेसमैन जो हैं वो करंट अकाउंट में, या हम FD में भी लगा सकते हैं। बट FD का अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है चीज़ का। FD के अंदर हम लोग पैसा जल्दी से विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था टर्म डिपॉजिट जो टाइम के बेसिस पे होता है, ध्यान रखना है चीज़ का। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सी स्टैंड्स फॉर करेंसी। करेंसी में आएगा अपने पास पेपर मनी, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि गलती यहीं हो जाती है, और कॉइन्स। ये चीज़। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब, ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, जो विड्रॉन कर सकते हैं। मान लो मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी से एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है, तो मिस्टर बी को पैसा तो एंड टू एंड नहीं दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो मान लीजिए उन्होंने क्या किया, बोले मैं आपको चेक बना देता हूँ, तो अपने इनके अकाउंट का एक चेक बना दिया, ट्रांसफ़र हो जाएगा मिस्टर ए से मिस्टर बी के अकाउंट में। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर्ड कर सकते हैं, या विड्रॉन कर लो उसमें से। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार क्या क्या चीज़ें बताई मैंने आप लोगों को। गलती मत करिएगा, टाइम समझने का दे रहा हूँ। M1 में क्या क्या आता है पहले देखें, दो ऑप्शन देखें पहले तो, सी और DD। ठीक है, बैंक मनी मैंने आपको बता दिया। तो जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है बैंक टू बैंक, जैसे मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पैसा बैंक मनी हो गया ना। इन्होंने क्या किया, डिमांड डिपॉजिट्स, अभी बताया चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं भाई, कई बार बता रहा हूँ, गलती मत करना, चेकेबल डिपॉजिट्स, ये अक्सर गलती यहीं हो जाती है हमसे, जो विड्रॉन कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब तक डिमांड डिपॉजिट्स में 1, 2, 3 ये 3 सेंटेंस ढंग से नहीं जुड़ेंगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है डिमांड डिपॉजिट्स का, कि डिमांड डिपॉजिट्स को समझने के लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि सारे के सारे ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होते हैं ये, चेकेबल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो
उसके बाद आता है हमारे पास, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। सी के अंदर हमने पढ़ लिया करेंसी, पेपर मनी और कॉइन्स, और डीडी के अंदर आ गया हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स। डेफिनेशन आपकी किताब में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स वही चीज़ें विच आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन बाय द कस्टमर और कैन बी ट्रांसफर्ड, और कैन बी ट्रांसफर्ड, ये ध्यान में रखना है चीज़ को, विदड्रॉन भी कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले फोकस कर लेंगे आप, क्लियर है यहाँ तक आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अदर डिपॉजिट्स के बेसिस पे। अदर डिपॉजिट्स का मतलब, अब देखिए यहाँ ही बात आ जाती है कि अदर डिपॉजिट्स में आता क्या, जितना भी आरबीआई, देखो ये आरबीआई अल्टीमेट अथॉरिटी हमको सबको पता है, तो अदर डिपॉजिट्स के अंदर जितना भी आरबीआई का पैसा या जितना भी डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सबसे पहली बात हम लोग क्या ध्यान में रखना है, सी और डीडी का, और अदर डिपॉजिट्स के अंदर मनी सप्लाई में हमेशा ध्यान रखना जितना भी डिपॉजिट गवर्नमेंट का पड़ा है आरबीआई के पास नहीं आएगा, अदर डिपॉजिट में वो भी नहीं आएगा, डिपॉजिट ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विथ आरबीआई ये भी नहीं आएगा। तो अदर डिपॉजिट्स में आता है कि भाई आरबीआई के पास मान लो कोई पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है लाइक नाबार्ड, मैंने बताया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, जैसे हमारे पूरे टोटल बैंक्स के ऊपर एपेक्स बैंक है दैट इज़ आरबीआई एज यू ऑल नो, बट रूरल बैंकिंग के ऊपर नाबार्ड। तो डिमांड डिपॉजिट्स विथ आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब नाबार्ड का जितना भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है वो अदर डिपॉजिट्स में आएगा। डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स, जितना भी फॉरेन सेंट्रल बैंक है जैसे एफबीआई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। तो नाबार्ड हो गया, या हम लोग सिंपल लिख लेते हैं सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी पैसा जितना भी पड़ा है आरबीआई के पास वो भी अदर डिपॉजिट्स में आएगा। तो तीन चीज़ें दिमाग में बिठा लो, M1 में क्या क्या आता है, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। अब अदर डिपॉजिट्स में गवर्नमेंट का पैसा जितना आरबीआई के पास पड़ा हुआ है या कंट्री के जितने बैंकिंग सिस्टम का आरबीआई पड़ा है, अदर डिपॉजिट में तीन चीज़ें तो आ गई कि भाई नाबार्ड का पैसा पहला, दूसरा सेंट्रल बैंक्स का पैसा, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स बेसिकली, यहाँ गलती मत करना, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, आईएमएफ का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा, जितना भी पड़ा है वो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड होता है। पर अदर डिपॉजिट्स में भी क्या क्या नहीं आता, अदर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा विथ आरबीआई नहीं आएगा, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका पैसा विथ आरबीआई नहीं आएगा। देखो हर चीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ये नहीं आपको बता दिया कि भाई ये सी प्लस डी डी रट लिया, रटेंगे काम नहीं बनेगा ये, वी डोंट हैव टू क्रैम द थिंग्स अनलेस, जब तक आप ढंग से इसको समझेंगे नहीं। तो दीज आर दोज डिपॉजिट्स विच इंक्लूड, ये वही डिपॉजिट्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सबसे पहली बात तो अदर डिपॉजिट्स में जो भी आरबीआई का पास, आरबीआई के पास जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड है उनका पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हो गए और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी, तो ये अदर डिपॉजिट में आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्लियर है यहाँ तक आपको, देख लीजिए एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो अदर डिपॉजिट्स भी आपको मैंने बता दिए, बट
सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई के अंदर जो चीज़ें कंस्टिट्यूट होती हैं वो होती हैं दो चीज़, सी और डीडी। क्या चीज़ कंस्टिट्यूट होती है? सी और डीडी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि बेसिकली यहाँ पर अदर डिपॉजिट्स में हमारे को क्या क्या इंक्लूड करना है, मैंने अभी आपको बताया है। अदर डिपॉजिट्स में आएगा नबार्ड, जितना भी आरबीआई के पास पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन सेंट्रल बैंक जितने भी हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, सारे के सारे किसके पार्ट हैं? अदर डिपॉजिट्स के पार्ट हैं। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या नहीं आता? गवर्नमेंट का पैसा जितना भी आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, कमर्शियल बैंक का पैसा जितना भी आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, वो अदर डिपॉजिट्स में इंक्लूड नहीं होगा। हालांकि अदर डिपॉजिट्स का जो पोर्शन है M1 में, बहुत थोड़ा सा है, इट इज़ अ वेरी लिटिल पोर्शन। तो इस कंडीशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेज़र नहीं है मनी सप्लाई का। बाकी आप लोग तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, सी और डी डी। सी स्टैंड्स फॉर करेंसी इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी एंड कॉइन्स। क्लियर है यहाँ तक? ये दो चीज़ ध्यान में रखें। अदर डिपॉजिट मैं आपको बता चुका हूँ, आगे देखते हैं भाई। M2 के अंदर क्या आता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि M1 के अंदर मैंने आपको बताया C प्लस DD प्लस OD हो गया, और M2 के अंदर क्या आएगा? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। तो यहाँ पर गलती मत करना कि भाई हमने M1 इस तरह से पढ़ा और M2 इस तरह से पढ़ा, ऐसा नहीं। M1 M2 का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के पैसे में हम लोग कभी चेक इशू नहीं कर सकते, बेसिकली ध्यान रखना है चीज़ का। इसी तरह पूरी तरह से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। M3 के अंदर क्या आएगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ इसको। टाइम का मतलब पता ही होगा आपको, स्टोर करके रख सकते हो FD के अंदर, मनी की होती है ना कि स्टोर ऑफ वैल्यू, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? M4 के अंदर आएगा M3 प्लस टोटल सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस। इसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हटा देंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नाम भी बता रहा हूँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है M1 पे। M1 M2 नैरो मनी होते हैं क्योंकि इसमें C प्लस DD आ गया, बेसिकली आ गया ना M1 में। नैरो मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एक्सचेंज के काम में आता है, जो भी चीज़ एक्सचेंज मीडियम एक्सचेंज के काम में आती है। और ध्यान रखना M1 हर जगह कंटिन्यू कर रहा है। अब आप बोलोगे M4 में क्यों नहीं कर रहा? तो सिंपल सी बात है, M3 तो कर रहा है और M3 में ऑलरेडी M1 इंक्लूडेड है, तो M1 हर जगह काम करेगा। तो नैरो मनी में आ रहा है हमारे पास C प्लस DD, ये नैरो है। और ब्रॉड में क्या आएगा? C प्लस DD प्लस SD प्लस TD। SD का मतलब होता है सेविंग डिपॉजिट्स, जो सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। और टाइम का अभी बताया आपको मैंने, FD टर्म या टाइम के बेसिस पे, ये ध्यान रखना है चीज़ का। आया समझ में? देखिएगा एक बार वापस से, M1 M2 M3 M4। M1 के अंदर हमारे पास क्या है? C प्लस DD प्लस OD। M1 M2 बता दिया आपको मैंने, M1 M2 होता है नैरो मनी क्योंकि वो एक्सचेंज के काम में आ रहा है सिर्फ। और ब्रॉड मनी में करेंसी भी आ रही है, चेक भी आ रहे हैं, सेविंग डिपॉजिट्स में पैसा पड़ा है वो भी आ रहा है, और टाइम के बेसिस पे जो FD पड़ी है वो भी आ रही है।
M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसेस, M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, M4 M3 प्लस टोटल सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो चार कंपोनेंट है मनी सप्लाई के, सबसे ज़्यादा आपको फोकस इस पे करना है, M1 पे। आया समझ में? फोकस करिएगा थोड़ा। चलिए अब थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। M1 M2 तो हो गए नैरो मनी, क्विक एक्शन के काम में गए। M3 M4 मतलब, अब ये नहीं कि M3 M4 में M1 कंटिन्यू करेगा, M1 तो कंटिन्यू करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा M1 होता है मोस्ट लिक्विड, ठीक है, और M4 होता है लीस्ट लिक्विड, जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता। M3 इज कॉमनली यूज्ड, एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्यों? क्योंकि M3 में मैंने क्या बताया था, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, तो आप भाई कैश में तो डील कर ही रहे हैं। उसके साथ मैंने अभी बताया था सी प्लस डी डी प्लस एस डी प्लस टी डी, सेविंग डिपॉजिट्स भी और टर्म डिपॉजिट्स भी, टर्म कहते हैं इसको, टाइम के बेसिस पे, इसको सेविंग डिपॉजिट्स के बेसिस पे। तो आप ध्यान रखिएगा चीज़ का, ये मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ में। सबसे पहली बात तो RBI को अपने रिजर्व में 200 करोड़ का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है 115 करोड़, क्या बताया मैंने आपको, 115 करोड़ का तो गोल्ड होना ही चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो RBI को मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का रखना है, इसमें गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी होंगी, इसमें 115 करोड़ का गोल्ड ही रहेगा। ये गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिससे हम लोग कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, कभी भी हमको मॉर्गेज करना हो तो हम गोल्ड की यूज़ कर सकते हैं, क्लियर यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स और नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ध्यान से समझिएगा। ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट बेसिकली होते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स, क्या होते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम्स। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स और नेट डिमांड डिपॉजिट में विद इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर। भाई मान लो SBI PNB या आपस में इनके ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं, या BOB, तो जो भी इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं बिफोर डिडक्शन, तो मान लो पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा अभी 5,000, जिसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं 3,000, तो आफ्टर डिडक्शन कितना आया 3,000, दैट इज विड्रॉएबल बाय द जनरल पब्लिक, तो जो भी विड्रॉयल बाय जनरल पब्लिक होता है आफ्टर डिडक्शन वो होता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स, और यही मनी सप्लाई के काम में आता है, ध्यान रखना चीज़ का। जो आपको डिमांड डिपॉजिट बता रहा हूँ वो यही है। तो क्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं,
ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक आपस में डील करते हैं, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब 3,000 से, क्योंकि हमने बैंक और पूरी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में कितना जमा कराया, 3,000, तो हम 3,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखना है चीज़ का। तो नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही मनी सप्लाई के पार्ट होते हैं, ध्यान रखना है चीज़ का। वापस डेफिनेशन बता देता हूँ। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स ऑफ द बैंक अगेंस्ट द अदर। नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। बैंकिंग क्लेम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। सिंपल सी बात है, तो बैंक भी तो आपस में डील करेंगे, और जब बैंक आपस में डील करेंगे तो वो क्या होता है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स, उसको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। और ये क्या है, आफ्टर डिडक्शन सारा का सारा नेट डिमांड डिपॉजिट्स। क्लियर है? हाँ, तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा था सारी की सारी चीज़ें, कि भाई मनी सप्लाई हमने पढ़ ली, कंपोनेंट भी पढ़ लिया, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट भी पढ़ लिया, नेट डिमांड भी पढ़ लिया हमने। ग्रॉस का मतलब होता है इंटर बैंकिंग क्लेम्स, और नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जो भी विड्रॉएबल बाय द पब्लिक, या विच कैन बी विड्रॉन बाय द पब्लिक, जनरल पब्लिक। तो आगे हम स्टडी करते हैं इस चीज़ की बेसिकली। अब देखिए, रुपी वन का जो कॉइन है वो इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉइनेज एक्ट, अंडर द कॉइनेज एक्ट। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान में रखना कि भाई बाकी सारे पेपर मनी आरबीआई इशू करती है। कौन इशू करती है? आरबीआई। ध्यान रखना है चीज़ का। तो ये चीज़ सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ध्यान में रखना हमारे को, कि भाई कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द कॉइनेज एक्ट, पेपर मनी सारे के सारे आरबीआई। अब पढ़ लेते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में। नेट डिमांड डिपॉजिट ध्यान रखना मनी सप्लाई का पार्ट होता है, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स। देखिए, सेंट्रल बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा एपेक्स बैंक है, टॉप मोस्ट। इसका बेसिकली एम होता है कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेस, देख लेना पहले पहले क्या हमारे पास, कंट्रोल, कंट्रोल एक एक करके बता रहा हूँ, कंट्रोल्स हो गए हमारे पास सारे के सारे, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेस। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, फिर ऑर्गेनाइज करता है, फिर रेगुलेट करता है, मैनेज करता है कि भाई कोई चीज़ें लिमिट से बाहर तो नहीं जा रही, उसके बाद डायरेक्ट्स, डायरेक्शन भी देता है, उसके बाद सुपरवाइजेस, सुपरवाइजेस, सुपरविजन, सुपर प्लस विजन, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है और सबके ऊपर ध्यान रखती है। इट कीप्स एन आई ऑन ईच एंड एवरी बैंकिंग इन द इकोनॉमी। क्लियर है आप लोग? तो इन इकोनॉमी के अंदर हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो सारी सारी किस चीज़ में है, कि भाई सेंट्रल बैंक्स के बारे में। और सेंट्रल बैंक्स का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या कर रही है, कॉड्स, कंट्रोल्स, ऑर्गेनाइजेस, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उसके कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ बेसिकली। पहला जो फंक्शन होता है, आपको पता ही होगा, सारे के सारे नोट इशूइंग अथॉरिटी कौन इशू करता है, आरबीआई। नोट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। जितना भी नोट के रिलेटेड जितना भी काम है, जितना भी पेपर मनी के रिलेटेड जितना भी काम है, भी बताया था मैंने आपको, तो नोट्स जितने भी इशू करता है वो कौन करता है, आरबीआई। तो पहला फंक्शन आपकी किताब में भी लिखा होगा, देख सकते हैं आप जाके, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। पहला क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। तो आरबीआई अल्टीमेट अथॉरिटी है, हर साल 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखना है चीज़ का। इशूइंग नोट्स, जितना भी नोट्स इशूइंग अथॉरिटी वो कौन है, आरबीआई। फिर बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट,
जो भी आरबीआई, आपको पता है गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी लोन चाहिए, कुछ भी चीज़ का फाइनेंस चाहिए, फंडिंग चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो किसके पास अप्रोच करेगी? ऑब्वियसली बात है आरबीआई के पास। तो दूसरा फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। मान लो कभी कभार कंट्री के अंदर लॉस हो गया, तो उस लॉस को क्या बोलते हैं हम, डेफिशिट। तो गवर्नमेंट किसके पास अप्रोच करेगी? ऑब्वियसली बात है आरबीआई के पास। तो उसको फाइनेंस करने का भी पावर किसके पास है? दी आरबीआई। तो पहला फंक्शन मैंने आपको बताया बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, फिर बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या मैं इसको बैंकर्स टू द बैंक भी कह सकता हूँ। यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, तभी बताया था मैंने। पहला वाला क्लियर हो गया होगा आपको, इशूइंग अथॉरिटी होता है। जितने भी नोट्स इशू होते हैं इसको आप समझा देना, किताब में लिखा हुआ है कि भाई जितने भी नोट इशूइंग अथॉरिटी वो कौन डील करता है? ऑब्वियसली बात है बैंक ही है, बैंक ही नोट इशूइंग अथॉरिटी है। पर यहाँ पर बैंक्स तो हमें सिर्फ लोन प्रोवाइड कराते हैं, बट अल्टीमेटली इशूइंग अथॉरिटी कौन है? दी आरबीआई। तो ये मत लिख देना कमर्शियल बैंक्स। बैंक हो गया तो आरबीआई हो गया, बैंक्स हो गया तो कमर्शियल बैंक्स हो गया। दूसरा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कोई भी इशूज़ होते हैं वो कौन सेटल करता है? दी आरबीआई। फिर बैंकर्स टू द बैंक लाइक एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद अगर कोई भी हमारे पास मनी सप्लायर है वो कौन है? कमर्शियल बैंक्स हैं। तो उसको भी कंट्रोल्स, ऑर्गेनाइजेस, रेगुलेट्स, डायरेक्ट, सुपरवाइजेस। तो ये आ गया बैंकर्स टू द बैंक। उसके बाद हमारे पास फोर्थ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। फोर्थ हमारे पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर मतलब जो भी पैसा लैंड करता है, देता है। मान लीजिए भाई कोई भी कंट्री के अंदर, वी नो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स फैसिलिटीज लाइक एस डिमांड डिपॉजिट्स मैनी टाइम्स मोर देन कैश रिजर्व्स। दिस इज़ पॉसिबल ओनली एज लॉन्ग एज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हाउएवर देयर मे बी ओकेजन्स व्हेन अ बैंक सफर्स द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। इट अकर्स व्हेन द डिपॉजिट स्टार्ट लीविंग फ्रॉम द बैंक एंड रन आउट इट्स कैश रिजर्व्स। इट ऑफर्स लोन्स टू द बैंक टू कोप विद द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। सिंपल सी बात है कि भाई मान लो कभी कार लॉस हो गया किसी कमर्शियल बैंक को, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब कोई भी बैंक्स हैं और पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे बैंक्स के अंदर, तो एक ही बैंक है दी बैंक आरबीआई, उनको पैसा लैंड करेगी जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस से रिगेन हो जाए। तो आपको मैं पहला वापस से रिवाइज करा देता हूँ चीज़ें। पहला क्या हमारे पास? बैंक ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फिर बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सुपरवाइजरी रोल। बैंक का सारा क्या है? द आरबीआई का सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, रेगुलेट करना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, सिंपल सी चीज़ें। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब कभी भी किसी बैंक के अंदर मान लीजिए क्राइसिस हो गए, फंड्स की शॉर्टेज हो गई, डॉट ऑफ फंड्स हो गया, क्राउडिंग आउट हो गया, तो उस कंडीशन में कौन हेल्प करेगा? दी आरबीआई। क्लियर है यहाँ तक? कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। भाई आप लोग कमर्शियल बैंक से जाके डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ये कस्टोडियन फॉरेक्स कहते हैं इसको। आप मैच करते रहना किताब से ये सारे फंक्शंस। कस्टोडियन फॉरेक्स का मतलब आपने कमर्शियल बैंक के पास डॉलर, यूरो, पाउंड रख लिए, बट सारा का सारा रिजर्व किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली दी आरबीआई। लास्ट यूनिट में ये आएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज का, इस तरह से आरबीआई मैनेज करती है फ्लक्चुएशन रेट्स को। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का मतलब होता है जितना भी फ्लक्चुएशन मेंटेन करना है फॉरेन करेंसी का सारा जो रिजर्व किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। ध्यान रखना है चीज़ का। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो इसे कहते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। सारा का सारा जो फॉरेक्स का रिजर्व है वो कौन लेगा? दी आरबीआई। उसके बाद एक और फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब आपको पता होगा सारे के सारे जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स का मतलब कमर्शियल बैंक्स, उनका सबका अकाउंट किसके पास है? दी आरबीआई। एक ही बैंक है एपेक्स, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये ध्यान रखना कॉर्ट्स का, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेस, रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजेस। तो क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन का मतलब मान लीजिए दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी, इसमें हमने क्या किया है, इसके पास 2000 है, इसके पास 2000 है,
दोनों के अकाउंट किसके पास सेटल हैं? आरबी के पास। मान लीजिए ए का जो अकाउंट है वो 1000 से कम करना है और बी का 1000 से प्लस करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, इन दोनों के पास पर्सनली नहीं जाएगी, इसमें से -1000 करके किस में कर देगी, +1000, ये 3000 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 1000 हो गया, इनकी बैलेंस शीट मैच। इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझ में आ गया होगा आपको कि बैंक्स ए और बी जितने भी एंड सो ऑन जितने भी बैंक है हमारी कंट्री के अंदर, कल भी मनी क्रिएशन बताया था आपको, तो जितने भी बैंक्स हैं उनका सबका बैंक का अकाउंट किसके पास है, आरबीआई के पास, तो वहाँ पर पर्सनली जाते हैं वो अकाउंट सेटल कर देती है, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये एग्जांपल याद रखना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबसे पहली चीज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहली बात आती है रेट्स। पहला बता दूं मैं आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझाऊंगा आपको क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद हमारे पास आएंगी बैंक रेट, आप इसको आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। रेपो रेट हमारे देश के अंदर जो चल रही है अभी 4.40 चल रही है, वैसे तो मैंने आपको पूरा डेटा भेज दिया है। रिवर्स रेपो रेट चल रही है हमारे पास 3.75%, और बैंक रेट जो चल रही है वो है 4.65। अक्सर यही ज़्यादा होती है, बताऊंगा इसके पीछे। तो रेट्स हो गए आपके पास। उसके बाद रेशोज़ देख लेते हैं कि भाई रेशोज़, सबसे पहले आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। उसके बाद SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। इसका भी मनी सप्लाई में क्या असर पड़ेगा बताऊंगा मैं आपको। सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई को जो रेगुलेट करता है वो है रेपो रेट का। और कंट्रोल, इसमें एक सबसे पहली बात है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब नाम से ही बता रही है मनी, जो मनी सप्लाई को रिड्यूस भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है, ध्यान रखना, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जो मनी सप्लाई को, वर्डों पे ध्यान दीजिएगा मेरे, जस्ट फोकस सच थिंग्स इन योर माइंड, कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। उसके बाद आ गया हमारे पास एक नया, रेट्स हो गए, रेशोज हो गए। उसके बाद आएगा हमारे पास ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मॉरल सुएशन बताऊंगा आपको धीरे धीरे, सबसे पहला सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटेटिव के अंदर आएंगी। क्लियर है आपको यहाँ तक? देखिए एक बार चार्ट देख लीजिए सारा का सारा। सबसे पहली बात तो ठीक है, इसके अंदर आप एक और भी लिख सकते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहला जो यही है हमारे पास, सारी चीज़ें फोकस करिएगा आप, वापस से बता रहा हूँ, रेट्स में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेशोज़, CRR, SLR, स्टैचुरी, मॉरल सुएशन, क्वालिटेटिव में आएगा। तो क्वांटिटेटिव में ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, और क्वालिटेटिव में ये चीज़ फिर से बता रहा हूँ, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट और राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अभी इसको बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा, और यहाँ एक ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आएगा। चलिए आइए एक एक करके समझते हैं इसको। जो भी लिख रहा हूँ बोर्ड पे उसको आप नोट कर लिए किताब पे या कॉपी में, तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू मेक समथिंग अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। सबसे पहला है रेपो रेट, रेट्स में रेपो रेट क्या होती है? करंट में मैंने आपको बताया रेपो रेट कितनी चल रही है भाई, 4.40। अब ये ऐसी रेट होती है जो आरबीआई
गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्रीगेट डिमांड में और सप्लाई में भी हेल्प करेगा आपकी। लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, RBI टू कमर्शियल बैंक्स, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेपो रेट का दूसरा नाम होता है रीपरचेज रेट। क्या होता है? रीपरचेज रेट, ये चीज़ ध्यान में रखना। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या होता है? रीपरचेज रेट। अब देखो, RBI लोन दे रही है किसको? कमर्शियल बैंक्स को, मान लो PNB को। तो जैसी रेट बढ़ती है, देखो यहाँ पर कौन इंटरेस्ट कमाएगा? ऑब्वियसली बात है, जब RBI कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है विथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे सारे, तो सिक्योरिटीज़, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रीपर्चेज रेट। तो RBI PNB को लोन दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है, जो लोन देता है इंटरेस्ट कौन कमाएगा? RBI कमाएगी। जब PNB उस लोन को वापस लौटा देगी, तो RBI उसकी सिक्योरिटीज को देगी PNB को। तो मान लो रेट थी 4.40, अब हो गई मान लो 4.90, रेपो रेट बढ़ेगी। तो देखते हैं, मान लीजिए 1000 है, 1000 का 4.4% कितना हो गया? मान लीजिए 440 रुपये, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, एक बार एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। या 10,000 ले लेते हैं यहाँ पर हम, या और सिंपल ले लें इस एग्जाम्पल को, चलिए आपको इजी पड़ेगा, 1000 है उसका 4% ले लीजिए, कितना हो गया 1000 का 4%? 40। तो अब कमर्शियल बैंक को RBI को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 40। मान लो ये रेट बढ़ जाए, 6% हो जाए, तो कितना देना पड़ेगा? 60। क्लियर यहाँ तक? 60 देना पड़ेगा। अब यहाँ कितना बचा पहले? 960। अब यहाँ कितना बचा? 940। तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगी, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा? RBI को। तो जब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा RBI को, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कौन सी स्टेज में ज़्यादा बच रहा है? इस वाली स्टेज में, इस वाली स्टेज में कम हो रहा है, मनी सप्लाई घट जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? जैसे ही रेपो रेट बढ़ती है, जैसे कल मैंने आपको कराया था, टोटल मनी क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। मान लो 1000 हमारे पास इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स है आप लोगों का, 1/4% करते हैं, तो देखिए कितना आएगा अमाउंट। या और सिंपल ले लो, 1000 × 1/10%, कितना आ गया यहाँ पर? 10,000। अब मान लो 1000 × 1/20% कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए? यहाँ तो 10,000 हो गया। कर सकते हैं आप 1000 × 1/20 × 100, ग्रॉस अप कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर? ये ज़ीरो से कट गया, 1000 × 10, कितना हो गया? 10,000, 5,000। तो जैसे ही LRR बढ़ा, मनी सप्लाई घटी, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जैसे ही LRR घट गया, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को। इसी तरह से रेट्स का होता है, जैसी रेट 4 से 6 हो गई, तो अभी बताओ, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, RBI कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, तो कौन इंटरेस्ट कमाएगा? ऑब्वियसली बात है, RBI कमाएगी। तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ भी हैं। तो अब लोन किस स्टेज में ज़्यादा मिलेगा पब्लिक को? पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखना है, रेपो रेट बढ़ेगी, मनी सप्लाई घटेगी। आ गया समझ में? क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको बस। इसलिए रेपो रेट का दूसरा नाम होता है रीपर्चेज रेट। इसका रिड्यूस कर देना, 6 से 4% कर देना, अब इसमें ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। क्लियर है? ये रेपो रेट होती है जहाँ RBI गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक से, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर आ जाती है हमारे पास बैंक रेट। बैंक रेट वो होती रेट होती है जहाँ RBI सेम होता है PNB या कमर्शियल बैंक को लोन तो दे रही है पर विदाउट सिक्योरिटीज़, इसलिए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के काम में नहीं आती। रेपो रेट को पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्योंकि यही रेट्स को
बढ़ाते घटाते ही हम मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया अमाउंट यहाँ पर, कितना चल रहा है अभी रेट, 4.65%। क्लियर है यहाँ तक? आरबीआई पीएनबी को लोन देगी, वही कर दीजिए, 1000 है मान लीजिए, 5% है मान लेते हैं हम लोग, कितना आ गया 50, कितना देना पड़ेगा अब इंटरेस्ट आरबीआई को, 50 रुपये, कितना बचा हमारे पास 1000 में से, 950। मान लो रेट बढ़ा देते हैं 6%, तो कितना बचा 60, कितना हो गया हमारा अमाउंट 940। सब मैक्स स्टूडेंट है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। तो किस में पैसा ज़्यादा बच रहा है? ऑफकोर्स उस ऊपर वाले में बच रहा है, तो मनी सप्लाई यहाँ बढ़ेगी और नीचे वाले में मनी सप्लाई घटेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा कर दो, यहाँ पीएनबी लैंड्स मनी और पार्क देयर सरप्लस, पार्क देयर सरप्लस, ध्यान से समझिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, टू दी आरबीआई। पीएनबी अपना सारा सरप्लस किसको दे रही है? आरबीआई को। अब यहाँ लोन कौन दे रहा है? पीएनबी। तो अब इसी बात है, इसका नाम पड़ गया रिवर्स रीपरचेज रेट। कितनी चल रही रिवर्स रेपो रेट? सबसे कम होती है 3.75%। तो पीएनबी अब आरबीआई को लोन दे रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिवर्स रेपो। जब पीएनबी आरबीआई को लोन देगी, तो आरबीआई की जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, अभी बताया था आपको एक फंक्शन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, वही है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं आरबीआई की, वो कौन इशू और परचेज कर सकता है? ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट की, आरबीआई। तो आरबीआई अब लोन किसको दे रही है? नहीं, पीएनबी लोन दे रही है आरबीआई को। ध्यान रखना है जिसका एरो किस तरफ लगा हुआ है, इस चीज़ फोकस कर लेना, ठीक है? यहाँ मैंने पीएनबी कर दिया है आरबीआई, या एसबीआई भी ले सकते हो आप साइड में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिवर्स रीपरचेज। जब भी आरबीआई लोन लौटा देगी पीएनबी को, पीएनबी उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देगी आरबीआई की, सिंपल सी बात है। यहाँ इंटरेस्ट कौन कमा रहा है? और उसी बात है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? ये इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ आरबीआई लोन परचेज कर रही है, और आरबीआई का इनकम सोशल वेलफेयर नहीं होता, बल्कि सारी कंट्री को कॉड्स करना, ठीक है? अभी देखिए, 1000 है, 5% मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट चल रही है, 4 ले लेते हैं, चलिए 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 40। अब आरबीआई कितना देगी? आरबीआई किसको देगी? कितना बचा 960, किसको देगी इंटरेस्ट? ऑब्वियसली बात है किसको देगी, देखिए पीएनबी को, तो 1000 × 6% कर देते हैं, कितना बचा यहाँ पर 60, यहाँ कितना बचा 940। अब किस कंडीशन में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है? वही कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट किसके पास ज़्यादा आएगा? एसबीआई के पास। फिर से बता रहा हूँ, रेपो रेट में उल्टा है, तो रिवर्स रेपो रेट में उसका रिवर्स ही करना है हमारे को, कि 1000 का 4% कितना बचा 40, कितना बचा 960। यहाँ इंटरेस्ट कौन दे रहा है? आरबीआई किसको दे रही है? पीएनबी को। तो किस कंडीशन में मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होगी, बताइए? पहली वाली कंडीशन में मनी सप्लाई क्या होगी? देखिए ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियसली बात है, 1000 का 4% कितना हो गया 40, कितना बचा 960। यहाँ पर आरबीआई किसको इंटरेस्ट दे रही है? अब उसी बात है कमर्शियल बैंक को। तो 1000 × 40, 4% कितना हो गया 960 आ गया अमाउंट। अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, तो उस कंडीशन में मनी सप्लाई किस में ज़्यादा होगी? अब दिमाग लगाइए, यहाँ तो पैसा कम बच रहा है ना, और यहाँ पैसा क्या बच रहा है? ज़्यादा। तो जिसमें पैसा ज़्यादा बच रहा है, तो उस कंडीशन में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो मनी सप्लाई घटेगी। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा इंटरेस्ट किसको देना पड़ रहा है? आरबीआई को। इस कंडीशन में जब आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट पीएनबी को दे देगी, तो ऑब्वियस बात है मनी सप्लाई करता कौन है? अल्टीमेट कौन कर रहा है कंट्रोल मनी सप्लाई की, क्रेडिट क्रिएशन को? ऑब्वियस बात है आरबीआई, हालांकि कमर्शियल बैंक ही करती है, बट कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई। तो मान लीजिए जब रिवर्स रेपो रेट का 4% है, तो कितना बचा 40, कितना अमाउंट आ गया 960। अब यहाँ आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या कर रही है? कम लोन दे रही है, या कम इंटरेस्ट दे रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पैसा इस वाली कंडीशन में कम बचेगा, और इस वाली कंडीशन में ज़्यादा बचेगा।
ज़्यादा बचेगा तो रिवर्स रेपो रेट कहोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और यहाँ मनी सप्लाई घटेगी। क्लियर है? आज हम सिर्फ रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको रिवर्स रेपो रेट के बाद भी रेशो।